सब कुछ करेगा। बहुत हुआ टाइम पास, हम करेंगे काम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह उठी हूँ 7 बजे। मैं थोड़ी लेट हो गई क्योंकि कल मेरी प्लान थी कि मैं उठूँगी 6 बजे, बट कोई नहीं, हाफ एन आवर ही लेट है तो चलेगा। एंड आज बहुत ही ऐसे फॉगी टाइप का वेदर है तो बहुत ही लेज़ी फील हो रहा है। एंड स्कूबी भी अभी तक सो रहा है, वो मेरे साथ ही बेड पर सोता है बगल में। विंटर्स में तो ऐसे थोड़ी लेट हो ही जाती है, बट अभी इसे सोने देते हैं और अभी बाहर चलती हूँ मैं। तो थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, द वेदर हियर इज़ लाइक दिस। वैसे ना थोड़ा ज़्यादा फॉगी है, बट आपको ये कैमरा में क्लियर दिख रहा है। अब मैं नीचे आकर अपना डेली रूटीन फॉलो करूँगी, दैट इज़ आजकल मैं सुबह सुबह 1 चम्मच घी ले रही हूँ विद द गर्म पानी, क्योंकि विंटर्स में घी हमें इंटरनली वार्म रखने में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द डाइजेशन, बूस्ट इम्यूनिटी एंड इंक्रीजेस ब्रेन हेल्थ। तो काफ़ी ज्यादा बेनिफिट होते हैं घी के सुबह सुबह। सुबह मुझे ये ऐसा कुछ भक्ति सा गाना सुनकर सुबह अपना स्टार्ट करना बहुत पसंद है। इट कीप्स मी रियली काम थ्रू आउट द डे। बट मैं आपको भी चाहती थी सुनाना, बट आई कुडंट बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज, तो ठीक है। एंड उसके बाद मैं ये फुल एक ग्लास ऑफ गर्म पानी पीती हूँ। एंड ये भी हम सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट किक स्टार्ट्स योर मॉर्निंग एंड बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। तो इन सब के बाद, इन स्कूबी को थोड़ा बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद, मैं आ गई ब्रश करने के लिए। एंड देन आई एम गोइंग टू डू द बेसिक स्किन केयर जो मैं रेगुलरली करती हूँ। ऐसे तो मैं नॉर्मल पानी से ही फेस वॉश करती हूँ सुबह सुबह, बट आज थोड़ा सा मॉइस्ट सा वेदर लग रहा था तो मुझे थोड़ी ऑयली फील हो रही थी अपनी स्किन, सो आई यूज्ड फेस वॉश। एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी द मॉइस्चराइजर, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं डिफरेंट यूज़ करती थी, बट मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू स्टिक टू इट फॉर सम टाइम। एंड देन दिस सनस्क्रीन, ऑल्दो आज सन नहीं है, बट क्लाउड्स के अंदर में भी सन छुपे होते हैं, वो जो रेडिएशन आते हैं डेट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आर स्किन। तो चाहे सन आए या ना आए, बट डोंट फॉरगेट टू यूज़ द सनस्क्रीन। तो मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करने वाली हूँ। एंड देन द लास्ट स्टेप विच इज़ द लिप बाम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉइस्चराइजिंग योर लिप्स एंड इट कीप्स इट हाइड्रेटेड। सो अब मैं हो गई हूँ रेडी एंड अभी मैं बाहर जाने वाली हूँ। ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट अभी मैंने डिसाइड किया। सो गाइज, अब मैं जा रही हूँ फिश लाने के लिए क्योंकि मुझे भी मन था, एंड ऑफकोर्स स्कूबी को चाहिए था, तो मैंने सोचा चिकन नहीं खाएंगे आज। एंड ऑफकोर्स एक मिनट मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। हमारा ये बच्चा बहुत ही बेवकूफ़ सा है, इसको पता नहीं चलता है कि टैप को खोलना होता है, जाकर वहाँ पर मुँह लगा देता है कि पानी आने वाला है। अब मुझे देखेगा कि खोल तो पानी नहीं आ रहा है। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे हो? लो देखो, इसको पता है अब मैं आगे घोलूंगी तब आएगा पानी। इसके पास खुद का बर्तन है, बट इससे जो मज़ा आता है, वो जो फीलिंग आती है ऐसे टैप से पानी पीने की, वो मैं क्या ही बताऊं। एंड बस उसके बाद चला जाता है, कोई मतलब नहीं है कि टैप में बंद करना है, बंद कराए, कुछ नहीं है। क्या थी? तो मैं फिश लाने जा रही हूँ, घर पे मम्मी पापा नहीं है तो मैं जनरली नहीं बनाती हूँ। कल तो पूरे दिन मैं कुछ ऐसे शॉर्टकट में ही काम चला रही थी, बट आज नहीं, आज आई वांट टू ईट द फिश। मैं स्कूबी को छोड़कर बाहर जा रही हूँ और बहुत बुरा लगता है, ये लड़का जिस तरीके से ऐसे देखता रहता है, जब तक मैं आऊँगी नहीं वो यही बैठा रहेगा और इसी पोजिशन में बैठा रहेगा। तो यहाँ मैं मार्केट आ गई हूँ और मैंने ले लिया है फिश। एंड मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ब्रेकफास्ट कुछ बनाऊँ, तो मैं जनरली यहाँ पर डुस्का वगैरह खाती नहीं हूँ, ऑल्दो मुझे बहुत पसंद है, बट इट्स रियली ऑयली। लेकिन इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं था तो मैंने यहाँ से डुस्का पैक करा लिया अपने लिए।
कोइंसिडेंटली पुष्पा और मैं दोनों सेम टाइम पे ही आए हैं, एंड स्कूबी जब खुश होता है तो अपना टेडी लेके घूमने लगता है। अब मैं जा रही हूँ योगा वगैरह करने के लिए, तो मैं कुछ टाइम से योगा कर रही हूँ, जिम वगैरह मैं नहीं जा रही हूँ। एंड योगा, नीडलेस टू से, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर आर बॉडी, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द बॉडी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एंड ये ऐसे बॉडी में जो भी पेन वगैरह होते हैं उनसे भी रिलीफ मिलती है। इट नॉट ओनली रिलैक्सेस एंड काम्स आर बॉडी, बट इट ऑल्सो रिलैक्सेस एंड काम्स द ब्रेन एंड हेल्प्स इम्प्रूव द स्लीप क्वालिटी। तो मुझे ये योगा एंड मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेली, एंड ये एक्चुअली मेरी अब हैबिट सी बन गई है। तो मैं बैंगलोर जाऊंगी एंड मैं जिम करूंगी, बट उसके अलावा भी अगर मैं योगा ना भी कर पाऊँ तो आई विल मेक श्योर कि मैं मेडिटेशन तो ज़रूर कर रही हूँ 10 मिनट कम से कम डेली, एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज, क्योंकि ये बहुत ही कामिंग होता है। अब नेक्स्ट करूंगी मैं रूम क्लीन, तो बेडशीट्स वगैरह मैं बनाने वाली हूँ। ऊपर मैं अपने बेडरूम के बेडशीट्स मैं सुबह ही बना ली थी, तो नीचे का गेस्ट रूम का बचा था, एंड जैसे ही मैंने बनाया, एज यूजुअल ये लड़का आकर बेड पर बैठ गया, जैसे मैं इसके लिए करती हूँ। तुम्हारे लिए बेड ठीक किए थे? बताओ, तुम्हारे लिए किए थे बेड ठीक? आकर सो गया अच्छे से? मेरा प्यारा स्कूचलू, मेरा प्यारा स्कूचलू। बीटा आज मेरा घूम घूम करने भी नहीं गया ना, आज मेरा बीटा घूमने भी नहीं गया ना। आजकल मैं कुछ टाइम से रोजमेरी वाटर यूज़ कर रही हूँ अपने बालों पर, तो ये इट हैज़ बिकम अ डेली रिचुअल, एंड रोजमेरी के अनगिनत बेनिफिट्स होते हैं, लाइक इट प्रमोट्स योर हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंट्स हेयर लॉस। आई हैव सीन द इम्प्रूवमेंट विद दिस, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर स्कैल्प एंड हेयर हेल्थ। तो मुझे अब ऐसा हो गया कि मैं मैंडेटरली डेली यूज़ करती ही करती हूँ, एंड इसे आप ऐसे बॉटल्स में रखकर स्प्रे करो, एंड करने के बाद आप अपने बालों को मसाज करो, मिनिमम 3 मंथ्स आप यूज़ करो, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। एंड अब मैं अपने स्कूबी को खाना खिलाने वाली हूँ, और सिंस उसको पता है कि फ़िश बन रही है तो वो कुछ ऐसा सॉलिड खाना भी नहीं खाएगा, तो मैं उसे पेडिग्री ही दे रही हूँ, एंड बहुत मस्त कैच करता है ये लड़का। मेरा स्कूबी तो क्रिकेट टीम में चला जाएगा। लो, सही है मेरा बेटा, सही है मेरा बेटा। टाइम फॉर माई ब्रेकफास्ट, बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। पानी पीने के बाद मैं थोड़ा एक दो डेट्स खाती हूँ, जो मैंने आपको नहीं दिखाया था, मैं भूल गई थी उसे कैप्चर करना, बट आफ्टर डैट मैं ये ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा था उसका, बट आई नो इट इज़ वेरी अनहेल्दी, क्योंकि खाने के बाद मुझे थोड़ा सा हैवी हैवी सा भी फील होता है, बट खाना नहीं बनाना था आज, क्योंकि मैं फ़िश जो बना रही हूँ ना उसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, एंड उसके अलावा मुझे बहुत सारा ही काम था जो कि मैं आज उतना कर नहीं पाई थी। एंड देन थोड़ा सा, लाइक नॉट मच, पूरा का पूरा नहीं, बट 30 मिनट्स मैंने बिग बॉस देखा, बट फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई, क्योंकि स्कूबी को नीचे घूमने जाना था, और मैं भी उस टाइम में प्लांट्स में पानी डाल लेती हूँ। जनरली मैं ये सुबह ही कर लेती हूँ, बट फिश लाने के लिए मुझे जाना पड़ा, उस चक्कर में सारी रूटीन इधर उधर हो गई, ये पहले से प्लान नहीं था। ऊपर आकर ये लड़का सो गया, एंड मुझे वो टाइम मिला कि मैं उसमें अच्छे से नहा सकूँ, एंड मैं आजकल कभी कभी ऐसे स्किन केयर कर लेती हूँ, तो सिंस इट वॉज सैटरडे टूडे, तो मैं अपने स्किन पर ये सारी DIY मास्क लगाने वाली हूँ, विच इज़ द नॉर्मल बेसन, उसमें हल्दी, एंड आई थिंक मैंने इसमें गुलाब जल, एलोवेरा जेल और हनी डाला हुआ था। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, ऑल ऑफ दीज। तो मैं अच्छे से अपने पूरे स्किन में लगाती हूँ ये DIY मास्क, एंड उसके बाद मैं जो भी बचा हुआ होता है हाथ में, नेक में, सब जगह लगा लेती हूँ, एंड 15 मिनट्स के बाद मैं चल गई नहाने। सो आई वाज डन विद इट। स्कूबी, स्कूबी इतना इग्नोर क्यों मारता है तुम? बहुत बेइज्जती कराता है मेरा तुम। मेरी तरफ देखो तो, प्यालू तुम कितना भी मेरे को इग्नोर करो, हाथ दो। गाइज, आई एम टेलिंग यू, ये लड़का हाथ वाथ देना सब कुछ करता है, जितनी बात बोलो सब कुछ सुनता है, लेकिन कैमरा के सामने कुछ भी नहीं करता है। ये बिल्कुल वैसा वाला बच्चा जिसके पेरेंट्स बोलते हैं ना, मेरा बच्चा डांस करके दिखाएगा, लेकिन वो सामने बेइज्जती कराता है, ये वही है। विंटर्स में मैं नहाने के बाद अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। आई ऑलवेज ट्रस्ट ऑयलिंग, एंड कोकोनट ऑयल हैज़ बीन द बेस्ट वन। इट मॉइस्चराइजेस योर स्किन एंड कीप्स इट ग्लोइंग थ्रू आउट द डे। कोई भी मॉइस्चराइजर इतना सही काम नहीं करता है। एंड देन द स्किन केयर रूटीन, तो मैं सिरम यूज़ करती, बट सिरम मेरा ख़त्म हो चुका है, एंड मैंने उसे ऑर्डर किया हुआ है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस अगेन, द सेम थिंग, दैट इज़ द पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर एंड देन द सनस्क्रीन। मैं बस कुछ भी करूँ ना करूँ, आई
आई इंश्योर कि मैं सनस्क्रीन भर कर लगाया करती हूँ और उसे रीअप्लाई करती हूँ. बाकी सब मुझे लगता है कि सनस्क्रीन केयर कर लेगा, मैं कुछ भी ना करूँ तो भी. एंड देन द लिप बाम, जो मैं कि शुगर का लिप बाम दोपहर में यूज़ करती हूँ, वो थोड़ा सा पिंकिश टिंक देता है, तो आई रियली लाइक दैट. एंड या मैं हो गई रेडी, डैट इज़ नहा धोकर थोड़ी साफ़ सुथरी हो गई बेसिकली. एंड अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने. तो फ़िश मैंने फ्राई किया एंड उसके बाद मसाला वगैरह भून कर मैंने ये बना लिया है. एंड यहाँ पर ज़्यादा टाइम थोड़ा तो लग गया था, बट मैं सब कुछ पहले ही रेडी कर चुकी थी, सो इट वॉज ज़्यादा टाइम नहीं लगा. मुझे लगता है कि 35 मिनट्स में रेडी हो गई. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्ड, वेरी टेस्टी. स्कूबी कुमार, स्कूबी कुमार आ जाओ, अपने नन्हे नन्हे कदमों से खाना खा लो. नॉट बिकॉज कि मैंने बनाया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. आफ्टर इन्जॉइंग माई ऑसम लंच, मैं जल्दी रेडी होने के लिए फॉर माई वीडियो शूट. आई वॉज ऑलरेडी वेरी लेट. अब मुझे वीडियो बनाना है, वीडियो के लिए ये मेरा मेकअप किट है. इतना मेकअप मैं करती हूँ, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड फटाफट से, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ. मुझे लगता है मैं सदियों से एक ही मेकअप यूज़ करती हूँ. मैं तो बेसिक द फाउंडेशन डेट आई यूज़ एंड उसके बाद मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड. एंड देन इट्स टाइम फॉर द लिप एंड चीक टिंट, जो कि मैं अपने चीक पर ही लगाती हूँ. तो एकदम थोड़े से अमाउंट में लेकर इसे लगाओ और अचानक से एकदम लुक इनहेंस हो जाता है, बिल्कुल ग्लोइंग एंड नेचुरल लुक आ जाता है. तो दिस इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट. एंड एक्चुअली मैं इसमें जो यूज़ करी हूँ सब फेवरेट ही, क्योंकि चार प्रोडक्ट ही गिन के तो यूज़ करती हूँ. एंड देन द आई लाइनर, तो मैं अंदर जाकर लगा रही थी बिकॉज वो थोड़ा सा खराब हो चुका था. तो दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड लास्ट थिंग इज द लिपस्टिक, दिस इज फ्रॉम शुगर एंड ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसकी शेड. पता नहीं आपको इसमें लाइट में सही से समझ में आएगी या नहीं. बस इतना ही चमकता है. एंड टुडे आई एम गोइंग टू शूट द लॉन्ग वीडियो, तो चलेगा. So guys, out. क्या उस समय बॉल मांगे नहीं दिया, अभी ला रहा बॉल. तो अब मैं बनाने वाली हूँ अपना वीडियो. नहीं दिखेगा ये पे बैठने के बाद, नहीं दिखेगा. आए थोड़ा सोफ़ा वगैरह का रीएडजस्टमेंट कर देती हूँ ताकि बैकग्राउंड क्लियर हो जाए. मम्मी से हमेशा डांट सुनती हूँ सोफ़ा इधर उधर करने के लिए. एंड स्कूबी को अब डिस्ट्रैक्शन बंद करना होगा. ओके, बहुत हुआ टाइम पास, हम करेंगे काम. हमें बॉल लाके दिया है. खेलो मेरे साथ, खेलो मेरे साथ, नहीं खेलना तुम्हारे साथ. उधर जाओ, उधर जाओ. ऑल्दो ये लड़का बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट करता है अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस की वजह से, बट आई हैड टू वर्क. तो अब मैंने फाइनली अपना काम स्टार्ट कर दिया. सो आई हैड टू शूट दिस लॉन्ग वीडियो विच इज़ अबाउट द मिंत्रा ड्रेसेस. सो आई शॉट इट एंड इट टर्न्ड आउट क्वाइट वेल. आप सबको लॉन्ग वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है विच इज़ अबाउट द वैलेंटाइन स्पेशल ड्रेसेस. आई एम डन विद द वीडियो एंड ये है मेरा बाबू जो ये यहाँ पर बैठा हुआ है. बहुत बोर हो जाता जब भी मैं वीडियोस एंड ऑल बनाती हूँ, तो मैं जब घर में कोई नहीं रहता तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए ताकि ऐसे बोर ना हुआ करे. कौन जाएगा घूमने, कौन जाएगा, कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है आपको, क्यों बैठे हो गेट पर. जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें वापस से जगह पर रख कर सब अरेंज करके, स्पेशली कपड़ों को फोल्ड करना एंड सही से रखना, वो थोड़ा ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट टास्क लगता है. बट इन सारे काम को कंप्लीट करके एंड अपने लिए थोड़ा बहुत अपने फ्रूट्स वगैरह काट कर मैं जल्दी, और अब पूरा टाइम मेरा और मेरे बच्चे का होगा साथ में. कुछ भी हो जाए आई मेक श्योर कि मैं फ्रूट्स लेना स्किप नहीं करती हूँ. तो मैं कोई ना कोई सीजनल फ्रूट ज़रूर लेती हूँ. एंड ये सब जब तक मैं कर रही थी तब तक ये लड़का आया फॉर द अटेंशन, बिल्कुल ऐसे मासूम सी शक्ल बनाकर मेरे पास आ जाता, तो मैं उसके साथ खेलने लग गई. hmm.
सो या गाइज, दिस वॉज प्रिटी मच माई डे. ऐसा ही कुछ दिन था और मैं अकेली थी, वरना मम्मी पापा होते तो थोड़ा और या तो बिजी होता या रिलैक्स्ड होता, मुझे नहीं पता, बट काफी ज्यादा एंगेजिंग दिन होता. अब इसके बाद तो मैं कुछ ज्यादा फन नहीं करने वाली हूँ, बस ब्लैंकेट में जाकर रिलैक्स करूंगी. आप बताना आपको कैसा लगा. चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना. बाय.